स्टूडेंट्स वेलकम इन टुडे सेशन वी विल कवर द टॉपिक परिभाषा शरीर आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर अ सुपर कूल सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट द चैप्टर कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमारी बॉडी बनती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पहला है कूर्च सेकेंड है कंडरा थर्ड है जाल फोर्थ है अस्थि संगात फिफ्थ है सीमंत सिक्स्थ सीवनी सेवेंथ रज्जू विच इज आल्सो कॉल्ड एज मास रज्जू एट्थ इज स्नायु एंड नाइंथ इज लसिका चलो अब करते हैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस पहला है कूर्च शट ते हस्त पाद ग्रीवा मेड रेशु हस्तो द्व पादयो द्व ग्रीवा मेड एक है पेशी स्नायु धमनी और सिरा के सन्निपात से निर्मित कुचरा के समान रचना को कूर्च कहते हैं कुचरा होता है ब्रश आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसकी संख्या कितनी होती है छे धमनी होती है आर्टरीज़, सिरा और आर, वेन्स यहां पे मैं पिक्चर अटैच कर रही हूं हाथ में जो होता है उसको बोलते हैं पाल्मर एपोन्यूरोसिस पैर वाले को बोलते हैं प्लांटार अपुनोसिस हाथ में दो होते हैं पैर में दो ग्रीवा में एक माने की गर्दन में एक संपात मेढ्र में एक ठीक काश्यप संहिता में इनकी संख्या 42 बताई है स्नायु संतज ये पांच होते हैं बाकी के सिर्फ सन्निपात मेढ्र जो है वो धमनी सन्निपातज होता है अब हम बात करते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर के बारे में जो कि है कंडरा माने की टेंडन लार्ज ना आर कॉल्ड कंड्राज ये सिक्सटीन होते हैं नंबर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है फोर इन लोअर लिम्ब, फोर इन अपर लिम्ब, फोर इन नेक रीजन फोर इन बैक रीजन यहां मैं एक टेंडन की पिक्चर अटैच कर रही हूं ये है टेंडन ऑफ प्लानिस कंड्रा क्या करते हैं अटैचमेंट में हेल्प करते हैं मसल्स की और ज्वाइंट की ये गोल होते हैं और कठोर होते हैं इनके ओरिजिन इंसर्शन याद कर लेना जो लोअर और अपर लिम्ब के कंडरा होते हैं उनका ओरिजिन होता है अपर पार्ट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स से और इंसर्शन होता है टिप्स ऑफ नेल्स में और जो नेक रीजन वाले होते हैं कंडरा उसका ओरिजिन होता है चेस्ट रीजन से और इंसर्शन होता है मेडर में और जो बैक रीजन वाले कंडरा होते हैं उसका ओरिजिन होता है मस्तक से और इंसर्शन होता है पेल्विक रीजन में मैंने इसके अंदर सिर्फ मेन मेन श्लोक ऐड किए हैं वो आपको सब याद करना है इस वीडियो में मैं जितना भी बता रही हूँ उतना तो आपको आना ही चाहिए अब बात करते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर के बारे में जाल जो कि प्लेक्ससेस होते हैं अस्थि जालानी प्रत्येकम चतवारी तानी मणिबंध गुल्फ संश्रितानी परस्पर निबद्धानि, परस्पर गवाक्षिता चेती शरीरम। जाल 16 होते हैं नंबर में ये नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स ऑफ मास सिरा एंड अस्थि इन रिस्ट एंड एंकल रीजन इज कॉल्ड जाल दे मे बी मेड अप ऑफ मास स्नायु और अस्थि यर आई एम अटैचिंग द पिक्चर ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस मणिबंध रीजन में मांस के दो सिरा के दो स्नायु के दो और अस्थि के दो जाल मिलेंगे गुल्फ रीजन में मांस के दो सिरा के दो स्नायु के दो और अस्थि के दो दो सब के जाल मिलेंगे मणिबंध जो होता है वो रिस्ट होता है और गुल्फ होता है एंकल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न

थ्री बोन्स इन वन प्लेस इज कॉल्ड अस्थि form a joint, such joint region may be known as अच्छा संघात ये फोर्टीन होते हैं हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं दे आर नथिंग बट ज्वाइंट ऑफ द बॉडी हेयर आई एम अटैचिंग अ पिक्चर देर आर फोर्टीन अस्थि संगात इन द बॉडी शोल्डर टू दे आर मेड अप ऑफ थ्री बोन्स एल्बो एल्बो पे टू होते हैं जो की तीन बोन से बनते हैं रिस्ट दो रिस्ट ये भी दस बोन से बनती है हिप हिप पे भी दो होते हैं चार बोन से बनते हैं ये नी जो है दो नी होते हैं चार बोन से बनते हैं एंकल एंकल भी दो होती है नाइन बोन्स से बनती है हेड में एक अस्थि संघात होता है जो कि फिफ्टीन बोन्स से बनता है रीजन में एक अस्थि संघात होता है जो कि फाइव बोन्स से मिलके बनता है ये आप इसके नंबर भी याद कर लेना कौन सा कितने बोन्स से मिलके बनता है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल नाउ कमिंग टू सी मंथ चतुर्दश सीमंता तेज अस्थि संघातवत गणनीय अस्थि संघाता ये संघातस्तु खलुषा दे आर डिस्क्राइब्ड अस्थि दस्थि दे आर फोर्टीन इन नंबर एंड लोकेटेड एट दीजन एज संघातक भोज डिफाइन सीमंत एज द सूचर्स प्रेजेंट एट द साइट ऑफ संघात इंदु कमेंटेड दैट दे आर नॉट विजिबल ऑन द स्किन ऑफ द स्कल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अब सीवनी को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं सप्त सेवन्य है शिरसी विभक्ता पंच जीवा शेफ सोर एक कहा तहा परिहर्तव्या सीवनी इज सूचर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर सेवन इन नंबर परिहर्तव्य शस्त्र मतलब हमें इनकी किसी भी शस्त्र से रक्षा करनी चाहिए द जिग जैग आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स अपीयर्स लाइक सूचर इज कॉल्ड सीवनी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए मैं यहाँ पे साथ साथ में पिक्चर्स अटैच कर रही हूं ये सूचर्स की पिक्चर है जो कि मैंने बताया कि स्कल रीजन में पांच सूचर होंगे और एक होगा पेनिस रीजन में जो कि होगा सस्पेंसरी लिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवनी स्कल रीजन में कितने होंगे पांच जो कि बोन से बना हुआ होगा इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग में होगा एक जो कि श्लेष्मा और त्वचा से बना हुआ होगा इंफीरियर सरफेस ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम इन मेल्स इन फीमेल इट इज बिटवीन वेजाइना एंड एनस यहां पे एक सीवनी होगी जो कि त्वचा तो अच्छा की बनी हुई होगी अब हम बात करते हैं रज्जू के बारे में जिसे मास रज्जू भी कहा जाता है रज्जवश्च तस्त्र पृष्ठवंशम उभयत पेशी निबंधनार्थम द्वे बाह्यो अभ्यंतरे चे आप श्लोका को हिंदी मीनिंग के साथ रिलेट करके लर्न करो तो ये काफी इजीली लर्न हो जाएगा मास रज्जू जो है वो स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये चार होते हैं नंबर में ये दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं पृष्ठवंश के पृष्ठवंश मतलब वर्टिपल कॉलम दो इंटरनल आस्पेक्ट पे होंगे दो एक्सटर्नल आस्पेक्ट पे होंगे ये करते क्या है सराउंडिंग की जो मसल्स होती हैं उनको आपस में टाई करते हैं यहां मैंने मांस रज्जू की एक पिक्चर अटैच की है जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मसल्स को आपस में बाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं स्नायु के बारे में जो होते हैं स्नायु उपधातु विशेष धनुषी नहायते। स्नायु क्या होते हैं रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं उपधातु की कैटेगरी से ये बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं बॉडी के जो मांस अस्थि और मेद को बाइंड करते हैं ठीक है और स्नायु जो है वो नाइन हंड्रेड होते हैं बॉडी में अब आपकी जो शाखा है मध्य शरीर की शाखा क्या है हाथ और पैर उसमें होते हैं सिक्स हंड्रेड अब जो हमारा मध्य शरीर बच गया उसमें होते हैं टू हंड्रेड एंड थर्टी और जो ग्रीवो परी मतलब ग्रीवा के ऊपर वहां पे मिलेंगे सेवेंटी स्नायु टोटल हुए नाइन या हंड्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो नी ज्वाइंट के लिगामेंट्स हैं अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो चार टाइप के होते हैं स्नायु प्रतान स्नायु जो कि नेटवर्क टाइप होते हैं ये लोकेटेड होते हैं में सारे जॉइंट्स के वृत्त स्नायु ये राउंड होते हैं और इनको कंडरा भी बोलते हैं थर्ड है पृथुल स्नायु जो कि फ्लैट होते हैं ये लोकेटेड होते हैं लेटरल पार्ट में किसकी ट्रंक चेस्ट बैक और हेड की फोर्थ है सुशीर स्नायु जो कि लूमन होता है जिनके अंदर ये लोकेटेड होते हैं एंड ऑफ आमाशय और पकवाशय और वस्ती में चलिए अब पढ़ते हैं लसिका के बारे में जो कि है फ्लूड विच इज टू द त्वक मतलब त्वचा एंड फ्लोज फ्रॉम द कोरिलेशन हम इंटरसेल्युलर फ्लूड से भी ले सकते हैं यहां मैं एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ लसिका की अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप इसे पॉज करें और वहां से लिख लें इतना मटेरियल काफी है इस टॉपिक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लर्न समथिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल स्टे दून विद अस ऑन दिस चैनल विल बी अपलोडिंग रेगुलर वीडियो टू कवर द सिलेबस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो लीव दम इन द कॉमेंट सेक्शन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मेडिवेदा अंडर स्कोर ट्यूटोरियल वी हैव अ टेलीग्राम चैनल which is by the name ayurmedicos all the links are provided in the description thank you for watching like and share the video